नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया में मौजूद पांच ऐसे दानव के बारे में जिनका डर लोगों के बीच सदियों से बना हुआ है और जिनकी कहानियां सुनकर आज भी बच्चे डर जाते हैं। मैना नंगल। इस दानव का जिक्र सबसे पहले फिलीपींस में सुना गया, जिसके बाद मलेशिया और थाईलैंड में भी, जहां इसे देखे जाने की घटनाएं सामने आने लगी। वहां के लोगों के बीच इसका डर आज भी मौजूद है। वो लोग इसे शैतान का एक रूप मानते हैं। कहा जाता है कि जब ये शिकार पर निकलता है तो ये अपने नीचे का शरीर अलग कर लेता है ताकि वो हवा में उड़ सके और लोगों का शिकार कर सके। गोब्लिंस। कुछ लोग इसे दानव मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसे बुरी शक्तियों से रक्षा करने वाला समझते हैं, जो जंगल में पेड़ों के ऊपर रहते हैं। जब भी कोई इनके घर को काटता है तो ये उस पर गुस्सा हो जाते हैं और उसे जान से मार देते हैं। वहीं कुछ लोग इसके पेड़ के नीचे खाना रख देते हैं ताकि वो उन लोगों से खुश हो जाए और उनके घर की रक्षा हमेशा करता रहे। मम्बा बारंग। ये काला जादू करने में माहिर होती है, जिसे इंडिया में डायन के नाम से जानते हैं। जो भी इंसान इसे पसंद आता है उसे ये काले जादू की मदद से धीरे धीरे करके मार डालती है। इसके लिए वो उस व्यक्ति के बाल एक गुड़िया पर बांध देती है। जब भी वो उस गुड़िया पर सुई चुभोती है तो उस व्यक्ति के भी वो चुभन महसूस होती है, जिसको वो मारना चाहती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आज भी डायन दुनिया में मौजूद है? कमेंट करके जरूर बताएं। अश्वंग। ये दिखने में इंसानों जैसा लगता है, लेकिन जब इसे शिकार करना होता है तो इसमें अपने आप को इंसान से जानवर में बदलने की काबिलियत होती है, जो कि ज्यादातर रात में घूमने वाले लोग या फिर प्रेग्नेंट महिला को अपना शिकार बनाता है। टिक बालांग। इसका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर घोड़े का जैसा होता है, जो जंगल में घूमने वाले लोगों को अपने लंबे पैरों से तब तक मारता है जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। कई बार जब इन्हें शिकार नहीं मिलता तो ये आपस में लड़ने लगते हैं। वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।